हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पेलेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ आयरन ओर। ठीक है, तो ये आयरन मेकिंग का 12th या 13th वीडियो है। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पेलेटाइजेशन प्रोसेस जो है ना, एक एग्लोमरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो एग्लोमरेशन के लिए मैंने सिंटरिंग जो प्रोसेस है उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, वो आयरन मेकिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये आज के लिए सेकेंड प्रोसेस है, पेलेटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पेलेटाइजेशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, जब सिंटरिंग प्रोसेस था तो पेलेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, सिंटर जो है, सिंटर और पेलेटाइजेशन दोनों ही एग्लोमरेशन प्रोसेस है। हम दोनों के इसमें क्या करते हैं, जो आयरन ओर के जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस में डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डायरेक्टली चार्ज करेंगे छोटे पार्टिकल्स को तो क्या करता है, जो परमेबिलिटी है ब्लास्ट फर्नेस की उसको कम कर देता है। ठीक है, और ब्लास्ट फर्नेस को चलाने के लिए परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे पार्टिकल्स को एग्लोमरेट करके बड़े साइज़ का ओर बनाते हैं, है ना। तो सिंटरिंग भी वही काम करता है और पेलेटाइजेशन भी। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों में। सिंटरिंग के केस में ना, हम लोग जो पार्टिकल्स लेते हैं, है ना, सिंटरिंग करने के लिए, वो होता है आपका 100 मेश साइज से 10 mm तक। ठीक है, 100 मेश साइज से 10 mm तक के साइज़ के आयरन ओर को हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 100 मेश से भी छोटा हो, 100 मेश साइज से भी छोटा अगर आयरन ओर, मतलब बहुत छोटे छोटे पाउडर्स टाइप के फॉर्म में हो, तो हम उसका उपयोग सिंटर मेकिंग में नहीं करते हैं। ठीक है, हम उसका उपयोग किस में करते हैं, पैलेट्स बनाने में। ठीक है, ये पैलेट का फोटो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये गोल गोल जो दिख रहा है ना, वही क्या है, पैलेट्स होता है। ठीक है, सिंटर क्या बनता था, ऐसे केक के फॉर्म में पूरा बनता था, उसको हम बाद में प्रॉपर साइज में तोड़ते थे, है ना। यहाँ पे क्या बनता है, गोल गोल बनता है आपका जो पैलेट्स, इसी को बोलते हैं पैलेट्स। ठीक है, तो जो बहुत फाइन ओर होते हैं, जो अल्ट्रा फाइन ओर होते हैं ना, उसका उपयोग हम करते हैं पैलेट बनाने के लिए। अब ये जो पैलेट्स जो होता है ना, एक्चुअली में पैलेटिंग प्रोसेस जो है महंगा होता है सिंटरिंग से। ठीक है, लेकिन तब भी इसका उपयोग जो है पैलेटाइजेशन का लगातार बढ़ रहा है, है ना। ज़्यादातर प्लांट में आप देखोगे सिंटरिंग प्लांट ज़्यादा रहता है, लेकिन अब धीरे धीरे पैलेट प्लांट भी खुलना चालू हो चुका है। ठीक है, तो पैलेट का उपयोग हम आगे जा करके आपका आयरन मेकिंग में, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में भी करते हैं और DRI मेकिंग में भी करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको, आपको दिख भी रहा होगा पैलेट्स कैसे दिखते हैं। तो चलिए अब इसका प्रोसेस अब जान लेते हैं। तो जो पैलेटाइजेशन प्रोसेस होता है ना, वो चार स्टेप में होता है। पहला होता है फीड प्रिपरेशन, फीड मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है उसको आपको प्रिपेयर करना है। सेकेंड है ग्रीन बॉल फॉर्मेशन। ग्रीन बॉल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग, मतलब जिसका हमने वाटर डाल के, एडिटिव डाल के गोल गोल जो बनाया है उसको बोलते हैं ग्रीन बॉल। जैसे हम ईंट बनाते हैं ना, जैसे ईंट बनाया जाता है, जो घर बनाने के लिए जो ईंट होता है, ब्रिक्स होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको मिट्टी से बनाया जाता है। मिट्टी में पहले पानी मिला करके, ठीक है, उसका स्लरी जैसे बना लेते हैं, फिर उसको सांचे में ढाल लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, ब्रिक्स मिल जाता है। लेकिन वो ब्रिक्स जो है अभी गीला होता है, ठीक है, उसका उपयोग आप कर नहीं सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रीन ब्रिक्स। ग्रीन ब्रिक्स मतलब जो पका नहीं है अभी, मतलब जो अभी ड्राई नहीं हुआ है और अभी जो पका नहीं, मतलब उसको हीट नहीं मिला, उसको बोलते हैं ग्रीन ब्रिक्स। वैसे ग्रीन बॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब वो जो ग्रीन ब्रिक्स में स्ट्रेंथ लाने के लिए हम क्या करते हैं, ईंट में स्ट्रेंथ लाने के लिए उसको क्या करते हैं, पकाते हैं, कोयले वगैरह के अंदर पूरा ईंट को भर देते हैं, उसके ऊपर पूरा कोयला को जलाते हैं। तो इससे क्या होता है, बॉन्ड बनता है पार्टिकल्स के बीच में, जो मिट्टी के पार्टिकल्स बीच में बॉन्ड बनता है और उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आता है। सेम प्रोसेस होता है आपका पैलेटाइजेशन में भी। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रीन बॉल फॉर्म करते हैं वाटर और एडिटिव वगैरह डाल के। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ग्रीन बॉल इंड्यूरेंस, जो पकाने का जो प्रोसेस है ना, स्ट्रेंथ बढ़ाने का प्रोसेस है, उसी को बोलते हैं इंड्यूरेशन। तो इस केस में इंड्यूरेशन करते हैं हम लोग, उसमें भी चार स्टेप होता है एक्चुअली में, ड्राइंग, प्री हीटिंग, फायरिंग और डी वीक होता है कूलिंग। ठीक है, हाँ, ये यहाँ पे चौथा स्टेप दिया गया है कूलिंग। तो ये पूरा स्टेप होता है पेलेटाइजेशन का। ठीक है, तो चलिए अब हम सारे प्रोसेस को एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, मतलब जब हम पेलेटाइजेशन करते हैं तो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम जो प्रोसेस, जो पैरामीटर है, कैसे कंट्रोल करेंगे प्रोसेस को, सारी चीज़ें तभी हम समझ पाएंगे जब हम बॉन्डिंग की थ्योरी को समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें पैलेटाइजेशन प्रोसेस होते हुए आपको दिख जाएंगे, एक्चुअल वीडियो आपको दिख जाएगा प्रैक्टिकली कैसे होता है, बट उसके पीछे का जो साइंस है, जो प्रिंसिपल है, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपको मैं पूरा डिटेल से यहाँ पर बताऊँगा। ठीक है,
अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि पैलेटाइजेशन होता कैसे है, उसके बाद आपको ये बॉन्डिंग प्रोसेस समझ में आएगा। ठीक है, देखो हम ग्रीन बॉल फॉर्मेशन के लिए ना दो टाइप का पैलेटाइजर यूज़ करते हैं। एक होता है डिस्क पैलेटाइजर, देखिए यहाँ पे दिया है डिस्क पैलेटाइजर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, ये जो डिस्क आपको दिख रहा है ना, जो बीच में ये दिख रहा है, यही होता है, इसको बोलते हैं डिस्क। ठीक है, तो डिस्क पैलेटाइजर में देखो क्या है, ये डिस्क है और ये थोड़ा सा झुका हुआ है 45 डिग्री में, है ना। इसी में क्या करते हैं, अपना जो फीड है, जो अपना आयरन हो रहा है अल्ट्रा फाइन आयरन, उसको यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, डालने के बाद क्या करते हैं, इसी में वाटर स्प्रे कराते हैं। ठीक है, तो वाटर स्प्रे कराने की वजह से ही आपका मेन जो है बॉल्स जो है पैलेट जो है वो बनता है। ठीक है, ये घूमता है, ये जो आपका डिस्क है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है इंक्लाइंड पोजिशन में और एक स्पीड में घूम रहा है। ठीक है, घूमता है, इसी में हम चार्ज मेटल अपना डालते हैं आयरन ओर को और वाटर स्प्रे कराते जाते हैं। तो उसके घूमने की वजह से ना वहाँ पर क्या बनता है, गोल गोल पार्टिकल्स बनते हैं। ये है डिस्क पैलेटाइजर। ऐसे क्या होता है, एक ड्रम पैलेटाइजर आता है, इस तरह से ड्रम पैलेटाइजर होता है, ये ड्रम शेप का होता है, इसमें एक तरफ उठा हुआ रहता है, एक तरफ थोड़ा झुका हुआ रहता है इंक्लाइन पोजीशन। तो इसमें भी हम एक तरफ से अपना फीड मटेरियल और वाटर वगैरह ऐड करते हैं, ये घूमता है स्पीड से, थोड़ा इंक्लाइन रहता है, इसलिए जो मटेरियल यहाँ पर डालते हो ना, धीरे धीरे करके दूसरी तरफ जाता है, तो दूसरी तरफ जाता है तो रोल होता है, घूमता है, तो रोल होने की वजह से यहाँ पर गोल गोल पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने बताया था कि अब मैं जो प्रोसेस, अब जो मैं चीज़ों आपको बताऊंगा ना, वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग। अब क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो ड्राई कंडीशन में होता है, अब उसको हमको क्या बनाना है, छोटे छोटे अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स को हमको गोल गोल ग्रीन बॉल बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वाटर मतलब पानी ऐड करते हैं। वाटर ऐड करते हैं ना, तभी वो मटेरियल जो है वो क्या बनता है, ऐसे गोल फॉर्म बनता है। ठीक है, उसमें प्रॉपर क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। अगर आप पानी कम कर दोगे तो भी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं बनेगा, और पानी एक्सेस में डाल दोगे तो भी स्ट्रेंथ अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, और विदाउट पानी डाले तो आप मतलब ये सब बॉल बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जैसे हम पानी ऐड करते हैं, ठीक है पानी डालते हैं, तो ये देखो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे अल्ट्राफाइन जो पार्टिकल है, वो आपस में इस तरह से क्या हो जाते हैं, चिपकते हैं। अब ये क्यों चिपकते हैं, क्योंकि वाटर में होता है आपका सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की वजह से दो पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं वाटर के सरफेस टेंशन के कारण। ठीक है, तो प्रॉपर अमाउंट में वाटर आपको डालना ज़रूरी है, ताकि पार्टिकल्स आपस में वाटर के कारण ही जुड़ते जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो वाटर पार्टिकल सिस्टम होता है ना, वो तीन टाइप का होता है। तीन टाइप का वाटर पार्टिकल सिस्टम कैसे होता है, एक होता है पेंडुलर स्टेट। पेंडुलर स्टेट में क्या होता है, दो पार्टिकल्स या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं, और इनके बीच जहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, इन्हीं के बीच बस वाटर होता है। मतलब जो दो जो पार्टिकल्स के बीच में जो कांटेक्ट जो एरिया है ना, वहीं पे भी बस क्या होता है, वाटर होता है, और इस वाटर की वजह से दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं सरफेस टेंशन की वजह से। दूसरा स्टेट होता है फनिकुलर स्टेट। फनिकुलर स्टेट में क्या होता है ना, ये जो पार्टिकल्स है बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स, तो इस पार्टिकल्स के कुछ वॉइड्स में देखो पार्टिकल्स जुड़ते हैं। अभी ज़्यादातर स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, तो उसमें क्या बनता है, वॉइड बनता है। तो इसके कुछ वॉइड में क्या होते हैं, वाटर प्रेजेंट रहता है ना, सारे सॉरी वॉइड्स में, सारे खाली जगह पे नहीं रहता, कुछ खाली जगह पे वाटर प्रेजेंट रहते हैं, उसको बोलते हैं फनिकुलर स्टेट, है ना। पार्टिकल्स के वॉइड के बीच में, कुछ वॉइड के बीच में वाटर है। थर्ड होता है कैपिलरी स्टेट। कैपिलरी स्टेट में क्या होता है, वाटर पार्टिकल के बीच में जितने भी वॉइड है, खाली जगह है, उसमें सब जगह में क्या भरा होता है, पानी रहता है, मॉइस्चर रहता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी स्टेट। तो आपको मेन जो स्ट्रेंथ मिलता है वो कैपिलरी स्टेट में मिलता है। मतलब आपको इतना वाटर कम से कम ऐड करना है जिससे कि क्या बन जाए, कैपिलरी स्टेट आपको मिल जाए, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है ना, उसमें क्या आ जाए, वाटर फिल हो जाए। ठीक है, अब इतना भी एक्सेस पानी नहीं डालना है, ये जो आपका बॉल बना है उसके ऊपर वाटर का क्लियर आ जाए। ठीक है, वाटर का क्लियर आ जाएगा बाहर में भी, तो पूरा गीला हो जाएगा आपका जो पार्टिकल है, पार्टिकल जितना गीला होगा ना, स्ट्रेंथ ख़राब हो जाएगा उसका। इतना पानी ही कम से कम डालना है, ताकि ये कैपिलरी स्टेट मिले, जितने भी वॉइड्स है ना पार्टिकल्स के बीच में, उसके अंदर वाटर फिल हो जाए, लेकिन उसके बाहर में कोई वाटर का फिल बना हो पार्टिकल्स के बाहर। ठीक है, अब देखिए जो डिस्क जो होता है ना, जो डिस्क होता है आपका, ये डिस्क पैलेटाइजर हो या ड्रम पैलेटाइजर हो, इस तरह से डिस्क होता है, वहाँ पे चार्ज हम डालते हैं, उसके बाद वाटर ऐड कराते हैं। तो जहाँ पे हम वाटर ऐड कराते हैं ना, वहीं पे जहाँ पे वाटर ऐड होता है, वहीं पे पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है,
और सबसे पहला जो छोटा पार्टिकल जो बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है, सबसे पहला क्या बनता है? न्यूक्लियाई बनता है। ठीक है, सबसे जो छोटा पार्टिकल्स बनता है उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। वही न्यूक्लियाई फिर ये घूमता है, घूमने की वजह से इससे रोल होता है, ये पार्टिकल्स जो न्यूक्लियाई बने वैसे रोल होते हैं, रोल होने की वजह से धीरे धीरे वो दूसरे पार्टिकल्स को आपस में चिपकाते जाते हैं। इस तरह से उसका क्या होता है? ग्रोथ होता है, इस तरह से आपका बॉल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब एक तो जो बॉल बनता है उसमें एक स्ट्रेंथ आपका सरफेस टेंशन की वजह से मिलता है, वाटर का सरफेस टेंशन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको एक साथ जोड़ के रखता है। दूसरा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो होता है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। अब मैकेनिकल इंटरलॉकिंग क्या है? जैसे ऐसे मान लीजिए इस तरह से तीन पार्टिकल्स हैं, अब तीन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा जगह है, वहाँ पर एक और पार्टिकल्स आ गया है ना, जैसे यहाँ पर ऐसा जगह है, यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर एक और पार्टिकल आ गया, तो आपस में मैकेनिकली इंटरलॉक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे भी स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो दो तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ता है, एक तो आपका वाटर के सरफेस टेंशन के कारण पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं, दूसरा मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के कारण पार्टिकल्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इसका कॉम्पैक्शन भी होता है, शुरू में जो न्यूक्लियाई बनता है उसका कॉम्पैक्शन कम रहता है, धीरे धीरे और मटेरियल जुड़ते जाते हैं और पार्टिकल्स उसका कॉम्पैक्शन बढ़ते जाते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ बॉल फॉर्मेशन, मतलब बॉल जो है वो कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब बॉल जो फॉर्म होता है ना वो दो स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? न्यूक्लिएशन या सीड फॉर्मेशन स्टेज। जैसे मैंने बताया ना, जो जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं वो डिस्क घूम रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे वाटर स्प्रे कर रहे हैं तो वाटर के कारण ही कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये पार्टिकल्स लगातार रोल हो रहे हैं डिस्क के कारण, तो ये और रोल होते जाते हैं, तो इसका और कॉम्पैक्शन होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो तीन स्टेजेस यहाँ पे है मेन। सबसे पहला जो होता है ना वो न्यूक्लिएशन स्टेज होता है, उसके बाद सेकेंड होता है वो ग्रोथ स्टेज होता है। ठीक है, इसी को हम डिटेल में समझते हैं। पहला होते हैं न्यूक्लियाई ग्रोथ रीजन, न्यूक्लियाई बनना। सबसे पहले स्टेज क्या होते हैं? न्यूक्लियाई बनना। तो न्यूक्लियाई कहाँ पर बनेगा? जहाँ हम वाटर एड कर रहे हैं ना वहाँ पर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही एरिया होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा डिस्क है तो यहाँ पर अगर हम वाटर एड कर रहे हैं मतलब यहीं पर न्यूक्लियाई आपका फॉर्म होगा, पूरा बाकी जितना भी एरिया होगा वो ग्रोथ रीजन होगा, ग्रोथ एरिया होगा। न्यूक्लियाई बनने का रीजन केवल वही होगा जहाँ हम वाटर ऐड करते हैं। तो न्यूक्लियाई कैसे बनते हैं? जैसे मैंने बताया ना, वाटर ऐड करेंगे, तीन पार्टिकल्स जो है, जो वेट जो गीला पार्टिकल है किसी और ड्राई या गीले पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे पानी के कारण, आपस में जुड़ने से क्या बनता है? एक न्यूक्लियाई बनता है। तो शुरू में जो न्यूक्लियाई बनता है ज़रूरी नहीं है कि वो गोल बने। ठीक है ना, अब क्या हो रहा है? रोल हो रहे हैं, तो शुरू में न्यूक्लियाई बनता हो सकता है वो स्फेरिकल ना हो, लेकिन आपका डिस्क क्या हो रहा है या ड्रम क्या हो रहा है? घूम रहा है, तो घूमने की वजह से ये और पार्टिकल्स को जोड़ते जाता है और ये स्फेरिकल शेप में आता है। ठीक है, स्फेरिकल शेप में। तो ये सबसे पहले जो छोटा जो पार्टिकल बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियाई। तो जो न्यूक्लियाई बनता है ना वो उसका स्ट्रेंथ अभी कम रहता है, उसका पैकिंग जो है अच्छा नहीं रहता है। फिर सेकेंड जो आता है वो है ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है? जो न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है उसका स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है क्योंकि उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है। ट्रांजिशन पीरियड में क्या होता है? जब वो रोल होता है ना, आपका जो छोटा जो न्यूक्लियाई बना है वो रोल होता है, तो रोल होने की वजह से ना उसका कॉम्पैक्शन बढ़ता है। जैसे पार्टिकल्स पहले दूर दूर थे न्यूक्लियाई में, अब रोल हो रहे हैं, रोल होने के कारण क्या हो रहा है? कॉम्पैक्शन होगा, ये और पार्टिकल्स पास पास आएंगे, पास पास आने से स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, डेंसिटी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका ट्रांजिशन पीरियड में। फिर लास्ट होता है आपका बॉल ग्रोथ रीजन। अब आपका जो न्यूक्लियाई जो बन गया है, स्टेबल हो गया है, स्ट्रेंथ बढ़ गया है, अब वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। शुरू में जो न्यूक्लियाई बनता है वो बहुत छोटा होता है, अब उसका क्या होगा? ग्रोथ होगा। अब ग्रोथ जो है ना दो तरीके से होगा, एक होगा ग्रोथ बाय एसिमिलेशन और एक होता है ग्रोथ बाय लेयरिंग, है ना। अब ग्रोथ बाय एसिमिलेशन क्या होता है? जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बने हैं मतलब कुछ पार्टिकल से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियाई बनता है। उसमें से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं और जिसका स्ट्रेंथ कम होता है, वो न्यूक्लियाई क्या हो जाता है? टूटने लगता है रोल होने के कारण, रोल हो रहा है लगातार। ठीक है, रोल होने के कारण जो न्यूक्लियाई बहुत स्ट्रेंथ जिसका नहीं है वो वापस से टूट जाता है, वापस से टूटता है। उसके बाद जो न्यूक्लियाई जो ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियाई है, ठीक है, जो थोड़ा बड़ा है, जो स्ट्रांग न्यूक्लियाई है, वो क्या करता है? जो टूटे हुए न्यूक्लियाई ना उसके पार्टिकल्स को अपने में जोड़ लेता है ना। ये क्या करते हैं? अपने में धीरे धीरे दूसरे पार्टिकल्स को, न्यूक्लियाई के पार्टिकल्स को जोड़ने लगता है ऐसे। और जोड़ के जोड़ना है, जोड़ना मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या होता है? आपस में जोड़ता है। कुछ न्यूक्लियाई टूटते हैं, उसी वही टूटा हुआ न्यूक्लियाई जो है, जो बड़ा न्यूक्लियाई है, जो स्ट्रांग न्यूक्लियाई है, उसके साथ जुड़ने लगता है। इसी को बोलते हैं ग्रोथ बाय एसिमिलेशन। ठीक है, ये ग्रोथ बाय एसिमिलेशन तब होता है जब हम नया फीड मटेरियल नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब नया फीड नहीं डाल रहे हैं, जितना फीड है वही रोल हो रहा है, उस केस में होता है ग्रोथ बाय एसिमिलेशन। मतलब
छोटा न्यूक्लियर टूटता है उसको बड़ा न्यूक्लियर अपने में जोड़ लेता है। सेकेंड जो ग्रोथ होता है वो होता है ग्रोथ बाय लेयरिंग। ग्रोथ बाय लेयरिंग में देखो क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियर जो बन गया है, ठीक है, जो न्यूक्लियर छोटा पार्टिकल्स जो बन गया है, अब उसके ऊपर क्या है, वाटर है, वो गीला है, गीला होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, नया फीड मटेरियल डाल रहे हो, नया मतलब फिर से फीड के लिए जा रहे हो। तो जो आप जो नया मटेरियल ड्राई ड्राई मटेरियल डालोगे, ड्राई आयरन और डालोगे, और ये पार्टिकल जो पहले से बन गया वो थोड़ा गीला है, तो गीला होने की वजह से ये जो स्मॉल पार्टिकल है इसके लेयर में से चिपक जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग जब रोटी बनाते हैं तो लोई बनाते हैं ना, रोटी बनाने के लिए लोई, उस लोई को पहले क्या करते हैं, आटे में थोड़ा सा ऐसे सान लेते ताकि जब हम बेले तो वो चिपके मत करके, है ना। तो क्या होता है, जो रोटी लोई जो गीला होता है जब उसको आटे में डालते तो जो ड्राई आटा है वो उसमें चिपक जाता है ना, लेयर बना लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी है, जो न्यूक्लियाई है उसके ऊपर लेयर बनते जाता है, ठीक है। धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर बनते जाएगा और क्या होता जाएगा, उसका एरिया बढ़ता जाएगा, मतलब ग्रोथ होते जाएगा, ठीक है। तो इस दो तरीके से आपका ग्रोथ होता है बॉल्स का, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअली, अब हम क्या देखते हैं, एक्चुअल ग्रीन बॉल फॉर्मेशन, मतलब ग्रीन बॉल फॉर्म हम किस में करते हैं। अभी तक हमने बॉन्डिंग के बारे में जान लिया, कैसे वो ग्रो होता है, कैसे न्यूक्लियाई बनता है, ये जान लिया, ठीक है। अब हम देखें ग्रीन बॉल फॉर्मेशन। तो ग्रीन बॉल फॉर्म करने के लिए ना, अभी मैंने दिखाया था ना आपको, दो टाइप का पेलेटाइजर आता है ना, एक होता है डिस्क पेलेटाइजर और दूसरा होता है आपका ड्रम पेलेटाइजर, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ डिस्क पेलेटाइजर। ये देखो इसी इसी के बारे में भी बता रहा था, पहला क्या होता है आपका न्यूक्लियाई ग्रोथ रीजन होता है, फिर ट्रांजिशन रीजन होता है, फिर आपका ग्रोथ रीजन होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ग्राफ बना है आपका, ये पैलेट के डायमीटर और नंबर ऑफ ड्रम रिवोल्यूशन की, मतलब ड्रम ये आपका जो भी है पैलेट कितना घूम रहे हैं, कितना रिवॉल्व हो रहा है। तो शुरू में देखो पार्टिकल्स का डायमीटर शुरू में कम होता है न्यूक्लियाई ग्रोथ तक, ठीक है। उसके बाद उसका साइज़ जो है वो बढ़ते जाता है ट्रांजिशन पीरियड में। उसके बाद आपका मेन ग्रोथ होता है धीरे धीरे, जैसे आप रिवोल्यूशन बढ़ाओगे ना, मतलब इधर रिवोल्यूशन बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है, उसका बॉल का जो साइज़ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। फिर एक समय आता है जब बॉल का साइज़ और नहीं बढ़ता है, वो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते थे सीधा डिस्क पैलेटाइजर, मतलब हम लोग पैलेटाइजेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन दिया गया है डिस्क पैलेटाइजर का। तो डिस्क पैलेटाइजर को आपने अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये होता है डिस्क पैलेटाइजर, ठीक है। ये देखो ये इंक्लाइन होता है, एक्चुअल में सीधा नहीं होता, इंक्लाइन होता है ये हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल है ना उससे 45 डिग्री में क्या होता है, इंक्लाइन होता है 45 डिग्री में, और ये घूमता है, ठीक है। ये डिस्क जो है वो क्या करता है, घूमता है, ठीक है। उसी का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपका दिया गया है, ये 45 डिग्री से इंक्लाइन रहता है। इसका जो डायमीटर है नॉर्मली 3.62 5.6 मीटर होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए अब ये कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे फोटो दिया गया, देखो ये डिस्क का, ठीक है। ये डिस्क घूमता है, इसी में हम क्या करते हैं, अपना जो रॉ मटेरियल है उसको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, और किसी एक जगह पर वाटर स्प्रे कराते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना जो रॉ मटेरियल यहाँ पे ऐड करेंगे और यहीं आसपास कहीं पे क्या करेंगे, वाटर का स्प्रे कराएंगे, ठीक है। तो वाटर का स्प्रे जहाँ पे होता है ना वहीं पे न्यूक्लियाई बनता है, तो वो न्यूक्लियाई ग्रोथ रीजन है। यहाँ पे जैसे वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, न्यूक्लियाई बनेगा। उसके बाद न्यूक्लियाई बन गया, फिर वो ड्रम के साथ या डिस्क के साथ क्या होगा, ऐसे रोल होगा। तो जैसे रोल होते जाएगा उसका ग्रोथ होता जाएगा, ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद जब एक ग्रो हो जाएगा, एक प्रॉपर साइज में ग्रो हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, ग्रो हो जाएगा उसके बाद ये जो बॉल जो बन जाता है वो बॉल क्या होता है, इस डिस्क में से बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब वो क्यों बाहर निकलता है, क्योंकि देखो मास उसका जितना ज़्यादा होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे ग्रो करेगा मास उसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो मास बढ़ते जाएगा उतना दूर वो क्या करेगा, घूमेगा, ठीक है। तो जितना जो साइज़ होता है ना, उसके बाद प्रॉपर साइज़ में होने के बाद ना आपका जो बॉल है यहाँ से बाहर निकल आता है, ठीक है। है ना। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है जो बॉल प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है यहाँ पे। तो पहला होता है डायमीटर ऑफ डिस्क, डिस्क का डायमीटर। अब देखो डिस्क का डायमीटर जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसको टाइम मिलेगा ग्रो होने का, मतलब बॉल का जो साइज़ है उतना बड़ा होगा, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा मतलब ज़्यादा बार वो क्या करेगा, रोल करेगा, उतने ज़्यादा बड़े एरिया में रोल करेगा, जितना ज़्यादा रोल करेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। तो इससे साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। या बोल सकते हो रेसिडेंस टाइम, एक मतलब रेसिडेंस टाइम मतलब जब आप फीड को डाल रहे हो,
फीड को डालने से लेकर के इसके पूरे बॉल बन के निकलने का जो टाइम रहता है ना, उसको बोलते हैं रेसिडेंस टाइम, ठीक है, उसको बॉल फॉर्मेशन टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डाया होगा उतना ज़्यादा रेसिडेंस टाइम होगा, उतने बड़े साइज़ का आपको क्या मिलेगा, बॉल मिलेगा। सेकेंड है हाइट ऑफ पेरीफेरल बॉल। पेरीफेरल बॉल क्या है आपका, ये जो आपका डिस्क दिख रहा है ना, डिस्क के बाहर देखो ये वॉल है, ये हाइट, जैसे कि ये वाला ऐसा डिस्क है ऐसे, ठीक है ऐसा, तो ये डिस्क का हाइट, इसको बोल रहे हैं पेरीफेरल वॉल, हाइट ऑफ पेरीफेरल वॉल। इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वॉल देखो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, जो आपका डिस्क है इसका जो वॉल है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा ये हाइट, उतना ज़्यादा रेसिडेंस टाइम मिलेगा। रेसिडेंस टाइम जितना ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा बड़े साइज़ का बॉल बनेगा, क्योंकि आप जो मटेरियल डाल रहे हो वो यहाँ पर डाल रहे हो, है ना। अब जो बॉल है जब वो बाहर निकलेगा तो इसी वॉल से होते हुए से बाहर निकलेगा, तो वॉल का हाइट जितना ज़्यादा होगा ना, वॉल का हाइट अगर ज़्यादा होगा तो बॉल लेट से निकलेगा, लेट से निकलेगा बॉल मतलब बॉल का साइज़ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है वो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना इंक्लाइन है डिस्क का इंक्लिनेशन, कितना जितना ज़्यादा इंक्लिनेशन होगा भाई उतना कम रेसिडेंस टाइम होगा, मतलब उतना जल्दी बाहर निकलेगा, ठीक है आपका जो बॉल है वो। नेक्स्ट आपका स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। फिर है प्लेस ऑन द डिस्क वेयर वाटर इज स्प्रेड, आप वाटर को कहाँ स्प्रे कर रहे हो डिस्क में, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑन द डिस्क वेयर मिक्स इज फेड, मतलब जो आपका जो मटेरियल है उसको आप कहाँ पे फीड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ फीड, कितना जल्दी जल्दी आप रेट मतलब फीड कर रहे हो मटेरियल को। अब जो जो आप मटेरियल डाल रहे हो ना, वो डिपेंड करता है कि कितना आप डिस्चार्ज कर रहे हो, जितना फीड रेट होगा उसके बराबर आपका डिस्चार्ज रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर फीड रेट ज़्यादा हुआ डिस्चार्ज रेट कम हुआ तो उस केस में क्या होगा, अच्छे से बॉल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर डिस्क में बहुत ज़्यादा भी मटेरियल आप डाल दिए तो जल्दी से रोल नहीं होगा वो, रोल है ना उसको, क्योंकि रोल होने के लिए जगह चाहिए। अगर पूरा डिस्क को आप भर दिए रॉ मटेरियल से तो वो रोल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ फीड बराबर होना चाहिए रेट ऑफ डिस्चार्ज के। उसके बाद रेट ऑफ मॉइस्चर एडिशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर डालना जरूरी है, कम आप डालोगे तो प्रॉपर बन नहीं पाएगा बॉल, ज़्यादा डाल दिए तो स्ट्रेंथ सही से नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप एडिटिव्स भी यूज़ करते हैं बाइंडर, जो वाटर के अलावा और कुछ कुछ बाइंडर यूज़ करते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने इसे सारी सारी चीज़ें बता दी फैक्टर के बारे में। यहाँ पे देखो बॉल का जो साइज़ है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, एक तो रोटेशन स्पीड से, आप कितना स्पीड से रोटेट करा रहे हो, जितना ज़्यादा स्पीड से रोटेट कराओगे ना उतना ज़्यादा ग्रो होगा। दूसरा क्या है पेरीफेरल वॉल, पेरीफेरल वॉल जितना ज़्यादा बड़ा होगा रेसिडेंस टाइम उतना ज़्यादा होगा और बॉल का साइज़ उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है ना, ऐसा सेट किया जाता है कि आपको जो प्रॉपर साइज़ का जो पैलेट है वो मिल सके। जनरली पैलेट का साइज़ ना आपका 9 से 16 mm के बीच रखते हैं, ना इससे छोटा रहता है ना उससे बड़ा रहता है, तो आपको पैलेट के साइज़ को मेंटेन करना है। तो इन्हीं सब फैक्टर को चेंज करके हम पैलेट के साइज़ को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक स्क्रैपर भी लगा होता है। स्क्रैपर क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, स्क्रैपर लगा होता है। स्क्रैपर क्या करता है, जब डिस्क घूमता है ना तो डिस्क घूमने की वजह से कई बार ना आपको जो मटेरियल है उसके साथ घूमने लगता है, डिस्क के साथ रोल होने की बजाय क्या होता है, मटेरियल ऐसे डालोगे जितना मटेरियल डालोगे वो डिस्क के साथ ही रोटेट होने लगता है चिपक के, है ना, रोल होने के बजाय चिपक के उसी के साथ घूमने लगता है। तो यहाँ पे स्क्रैपर लगा होता है, स्क्रैपर कुछ नहीं है बस एक रॉड जैसा होता है वो जो चिपक जाता है ना डिस्क में, है ना, जैसे यहाँ पे स्क्रैपर लगा दिया ऐसे, तो ये फीड को यहीं यहीं पे रोक देगा। जनरली स्क्रैपर ऊपर में लगा होता है, ये फीड जो यहाँ पे चिपक गया ना उसको यहाँ पे निकल जाता है, निकलने के बाद ही नीचे आ जाता है फिर से, ठीक है। स्क्रैपर लगा होता है जो चिपक गया उसको हटाने के लिए। तो इस तरह से आपका क्या काम करते हैं, डिस्क पैलेटाइजर। नेक्स्ट आपका होता है ड्रम पैलेटाइजर। ड्रम पैलेटाइजर का डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है, देखो ड्रम है इस तरह से, ठीक है, जैसे आपका DRI का किलन होता है ना उस टाइप का आपका ऐसा होता है ड्रम, है ना। यहाँ पे हीटिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, बस ये ड्रम होता है। इसमें एक साइड हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल को चार्ज कर रहे हैं, या भी इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन होने की वजह से यहाँ से आप मटेरियल चार्ज कर रहे हो, मॉइस्चर चार्ज कर रहे हो, तो दोनों ऐड होते हैं, ये घूम रहे हैं ड्रम, घूम रहे हैं ड्रम के घूमने की वजह से क्या होगा, अंदर में रोलिंग होगा, रोल करेगा पार्टिकल्स, पार्टिकल के न्यूक्लिएशन होगा, फिर वो न्यूक्लियर धीरे धीरे रोलिंग के कारण ग्रो करेगा, है ना। तो घूमने की वजह से है और इंक्लाइन होने की वजह से जो चार्ज मटेरियल यहाँ डाले हो वो दूसरी तरफ बॉल बन के क्या होगा, डिस्चार्ज होता जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, जो लेंथ टू डायमीटर रेशियो होता है वो 2.5 से 3.5 होता है। डायमीटर इसका लगभग 2 से 3 मीटर होता है, लेंथ 6 से 9 मीटर होता है। RPM रोटेशन का जो स्पीड है वो 10 to 15 RPM है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट। इंक्लिनेशन कितना होता है, 2 से 10 डिग्री का
इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बॉल के साइज़ को। तो पहला है स्पीड ऑफ रोटेशन। तो देखो स्पीड ऑफ रोटेशन जितना ज़्यादा होगा ना, रोटेशन देखो जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी मटेरियल जो है चार्जिंग साइड से डिस्चार्जिंग साइड तक पहुँचेगा, है ना। स्पीड अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक तो रोलिंग ज़्यादा होगा, ठीक है, रोलिंग भी ज़्यादा होगा और जो डिस्चार्ज होने का है वो भी जल्दी होगा, ठीक है। सेकेंड है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जितना ज़्यादा इंक्लाइन होगा मटेरियल चार्ज मटेरियल जो डाले हो उतना जल्दी बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है डायमीटर ऑफ ड्रम। ड्रम का डायमीटर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपको बहुत छोटा भी नहीं रखना है डायमीटर का ड्रम, रोल होने का भी समय देना है, ठीक है, बहुत बड़ा भी नहीं रखना है। रेट ऑफ फीड में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जैसे मैंने पिछले बार बताया रेट ऑफ फीड इज इक्वल टू डिस्चार्ज रेट ऑफ डिस्चार्ज, दोनों बराबर होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद डेप्थ ऑफ मटेरियल होगा, ये डेप्थ ऑफ मटेरियल मतलब जैसे कि जो आपका जो ड्रम होता है ना, ड्रम का जो वॉल्यूम है उसका केवल 5% ही आपको इस मटेरियल डालना है। जैसे ड्रम का वॉल्यूम अगर 100 है तो आप 100 मीटर क्यूब है तो आपको केवल 5 मीटर क्यूब ही मटेरियल चार्ज करना है, 5% ही बस फीड होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप फीड डाल दिए, अब ज़्यादा मटेरियल फीड करोगे तो क्या होगा, वो रोल होने की बजाय क्या हो जाएगा, रोलिंग एक्शन सही से नहीं हो पाएगा ज़्यादा मटेरियल आप भर दिए तो, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ मटेरियल भी कम होना चाहिए। इसके अलावा जो आप एडिटिव डालते हो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये जो ड्रम पेलेटाइज़र होता है ना, उसमें क्या होता है ना, प्रॉपर साइज़ कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरफ से आप ड्रम में तो आप डाल रहे हो मटेरियल चार्ज कर रहे हो, दूसरी तरफ वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो बीच में आपका कंट्रोलिंग थोड़ा कम होता है कि किस साइज़ का बनेगा। कुछ कुछ बड़े साइज़ का बन जाता है, कुछ छोटे साइज़ का भी बन जाता है। तो हमको क्या करना पड़ता है ना, कि स्क्रीन लगाना पड़ता है ना, स्क्रीन, जैसे ये डिस्चार्ज होगा वो स्क्रीन में जाएगा, है ना। अब जो प्रॉपर जो साइज़ है, जैसे मैंने बताया 9 से 16 mm, ये जो साइज़ का है वो तो ठीक है, इस साइज़ को हम भेज देते हैं ब्लास्ट फर्नेस में या DRI में। अब इससे छोटा साइज़ या इससे बड़ा साइज़ दोनों को हम उपयोग नहीं लाते हैं। छोटा होता है उसको भी वापस से हम कहाँ भेज देते हैं, ड्रम पेलेटाइज़र में, जो जो ओवर साइज़ होता है उसको भी क्रश करके वापस से इसी में भेज देते हैं। तो ये क्लोज सर्किट में काम करता है, स्क्रीन लगा होता है। वहीं जो डिस्क पेलेटाइज़र में स्क्रीन वगैरह नहीं होता है, वहाँ पे आप साइज़ कंट्रोल आसानी से कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है, रोटेशन के स्पीड है, पेरिफेरल वॉल है ना, बहुत सारे चीज़ में आप कंट्रोल करते हो। तो वहाँ पे जो साइज़ है, जो आप साइज़ का चाहते हो वो साइज़ का मिलता है, लेकिन ड्रम पेलेटाइज़र में वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहता है साइज़ का, कुछ बड़ा साइज़ भी मिलता है, कुछ छोटा साइज़ भी मिलता है ना, इसलिए स्क्रीन लगाना पड़ता है हमको। अब जान लेते हैं थोड़ा एडिटिव्स के बारे में। एडिटिव देखो, एडिटिव वो मटेरियल है जो एक तरह से बाइंडर का काम करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, हम केवल वाटर अगर डालेंगे तो वाटर अगर आप डालोगे तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं बन पाता, ठीक है, या सही से बॉल फॉर्म नहीं हो पाता। तो उस केस में हमको क्या डालना पड़ता है, एडिटिव्स। एडिटिव्स मतलब क्या करता है, दो तरीके होते हैं। एडिटिव क्या करता है, वापस में बॉन्ड बनाने में, बॉल फॉर्मेशन में बहुत मदद करता है, ठीक है। बहुत सारे एडिटिव यूज़ करते हैं, जैसे है फेरस सल्फेट है, एल्कली क्लोराइड है, एल्कलाइन अर्थ कार्बोनेट है, इन सब का उपयोग करते हैं। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो है बेंटोनाइट, ठीक है। बेंटोनाइट क्या एक बाइंडर है, ठीक है। बाइंडर क्या है, बाइंड करने का काम करता है। जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, तो जब हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं तो क्या डालते हैं, बाइंडर के रूप में हम वहाँ पे गुड़ डालते हैं, गुड़। तो गुड़ मिठास का भी काम करता है, उसको जोड़ने का काम करता है, बाइंड करने का। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बेंटोनाइट का, ठीक है। बेंटोनाइट के अलावा लाइम और डोलोमाइट भी एज एडिटिव डाला जाता है। लाइम और डोलोमाइट क्या करता है ना, जब हम उसको आगे इंड्यूरेशन करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो उस समय स्लैग बनाता है सरफेस में, पार्टिकल के सरफेस में स्लैग बनाता है और उसमें स्लैग बॉन्ड फॉर्म करता है। पार्टिकल के बीच में स्लैग बनने के कारण दोनों पार्टिकल्स आपस में अच्छे से चिपक जाते हैं। उस स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम डोलोमाइट और लाइम का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ये आपका स्ट्रेंथ है और इधर वाटर कंटेंट है। तो देखो जब हम बेंटोनाइट मिलाते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। वाटर जब हम मतलब जब हम इसको ड्राई करते हैं ना, इंड्यूरेशन के टाइम पे जब हम इसको ड्राई करते हैं बॉल को, जो ग्रीन बॉल, उसको ड्राई करते हैं ना, तो अगर उसमें बेंटोनाइट डाला होगा ना तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे जैसे वाटर कंटेंट कम होता है, ड्राई होता है पैलेट, तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है अगर बेंटोनाइट है तो बेंटोनाइट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू सल्फेट एंड विदाउट बाइंडर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, ग्रीन बॉल कैसे बनता है, बॉन्डिंग कैसे होता है ना, डिस्क पेलेटाइज़र ड्रम पेलेटाइज़र कैसे काम करता है। अब यहाँ पे तो आपको क्या मिल गया, ग्रीन बॉल फॉर्म हो गया, लेकिन अभी उस ग्रीन बॉल में प्रॉपर स्ट्रेंथ आया नहीं है, ठीक है।
अब उसको आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ले जाके आप उसको चार्ज कर दोगे, जैसे वही बताया ना ईंट वाला, गीले ईंट को आप गीले ईंट से घर थोड़ा बनाओगे क्योंकि उसमें उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है। वैसे सेम ग्रीन वॉल्स होता है, ग्रीन वॉल में भी क्या है बहुत सारा मॉइस्चर है, प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि ग्रीन वॉल बनाते समय हमको ये बात ध्यान में रखना है कि ग्रीन वॉल का स्ट्रेंथ कम से कम इतना हो ताकि वो हैंडलिंग को संभाल सकें। जब हम ग्रीन वॉल को वहाँ से निकालेंगे है ना, कन्वेयर बेल्ट में डालेंगे या किसी तरीके से उसको हैंडल करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो उस समय जो है बॉल्स टूटे ना, कम से कम इतना स्ट्रेंथ ग्रीन वॉल में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको फर्नेस में डालने के लिए उसका स्ट्रेंथ और आपको बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाते हैं, बाय इंड्यूरेशन। ठीक है ना, तो इंड्यूरेशन में कुछ नहीं है, हम उसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो इंड्यूरेशन का जो होता है वो चार स्टेप होता है। फर्स्ट होता है ड्राइंग, प्री हीटिंग, सेकेंड थर्ड फायरिंग, और फोर्थ कूलिंग। तो इतना सब कुछ करने के बाद जो आपका पैलेट है उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ड्राइंग, जो आपका जो ग्रीन बॉल आया है जिसमें भी बहुत सारा अमाउंट में मॉइस्चर है क्योंकि आपने वाटर ऐड किया है, तो मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर की वजह से उसमें स्ट्रेंथ अभी कम है। ठीक है, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो ड्राइंग जो है बहुत सिंपल होता है, उसमें क्या होता है ऐसे जालीदार, ऐसे जाली बना होता है, उसको ग्रेट बोलते हैं, ग्रैट, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैट सरफेस से जाली बना होता है। ठीक है, जैसे ब्रेड वगैरह सेकने के लिए ऐसे आता है ना जाली, वैसे जाली बना होता है। इसी के ऊपर हम जो ग्रीन अपना जो बॉल है, जो पैलेट्स है, उसको हम यहाँ पर डालते हैं ऊपर में। अब जो ग्रैट है, जो जाली है, वो आगे चलते रहते हैं, मूवेबल होता है, आगे चल रहा है। और नीचे से हम क्या करते हैं, गर्म हवा देते हैं, हॉट ब्लास्ट, नीचे से क्या दे रहे हैं हम लोग, हॉट ब्लास्ट दे रहे हैं। तो जैसे हॉट ब्लास्ट कॉन्टेक्ट में आता है आपका ग्रीन बॉल, इससे जितना भी मॉइस्चर होता है ना, जितना भी मॉइस्चर होता है वो क्या करता है, भाप बन के उड़ जाता है, मतलब ये ड्राई हो जाता है। अब आपको टेम्परेचर कितना रखना है, कितने अमाउंट में ब्लास्ट देना है ना, कितने अमाउंट में आप मतलब ब्लास्ट मतलब गर्म हवा देना है, वो डिपेंड करता है कितना मॉइस्चर कंटेंट है, उस हिसाब से हम इसमें हॉट एयर देते हैं, उसको ड्राई करते हैं। ठीक है, तो ड्राई करने के कारण उसमें थोड़ा सा स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब इतना स्ट्रेंथ कम से कम हो जाना चाहिए ड्राई के लिए, ताकि कि आगे जब का जो ऑपरेशन है, फायरिंग का है, प्री हीटिंग का, कूलिंग का है, उस समय अपने स्ट्रेंथ को बनाए रख सके। नेक्स्ट आपको क्या होता है, प्री हीटिंग एंड फायरिंग। ठीक है, अब देखो प्री हीटिंग और फायरिंग हम एक्चुअल में करते क्यों हैं, या इस समय होता क्या, देखो जो ग्रीन बॉल्स होते हैं जो आपस में अभी जुड़े हुए हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस टेंशन के कारण ये आपस में जुड़े हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ड्राई करने के बाद जब फायरिंग करते हैं, तो फायरिंग करने के कारण क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में क्या होता है, चिपकता है। ठीक है, आपस में जो चिपकता है, दो दो तरीके से चिपकता है। एक तो होता है सॉलिड बॉन्डिंग, सॉलिड बॉन्डिंग होता है ग्रेन ग्रोथ के कारण, क्या होता है इसमें सॉलिड बॉन्डिंग होता है। दूसरा होता है स्लैग बॉन्डिंग, तो लो टेम्परेचर में आपका सॉलिड बॉन्डिंग होता है, जब टेम्परेचर हाई होता है फायरिंग के समय तो स्लैग बॉन्डिंग में होता है। स्लैग बॉन्डिंग में क्या होता है, जो आप लाइम और डोलोमाइट यूज़ किए हो ना, है ना, वो क्या बनाता है, स्लैग। तो ये क्या करता है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्लैग बनता है ना, बहुत ज़्यादा स्लैग भी नहीं बनेगा, थोड़ा एकदम कम सा स्लैग बनेगा, ऐसा नहीं कि पूरा लिक्विड बन जाएगा, स्लैग बनेगा चिपचिपा जैसा। और ये जैसे गोंद होता है ना आपस में चिपका लेता है, वैसे ये जो स्लैग है दोनों के बीच में आके इन दोनों को पार्टिकल्स को चिपका लेता है ना। तो फायरिंग के समय स्लैग बॉन्डिंग और सॉलिड स्टेट बॉन्डिंग दोनों तरीके का बॉन्डिंग होता है पार्टिकल्स के बीच में, और आपका जो पैलेट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम फायरिंग करते कैसे हैं। तो फायरिंग करने के लिए देखो फर्नेस आता है, तीन तरह का फर्नेस आता है। ठीक है, उसमें से पहला फर्नेस आपका शाफ्ट फर्नेस, पहला क्या है, शाफ्ट फर्नेस। देखो शाफ्ट फर्नेस आपका कैसा रहता है, इस तरह से, इसमें शाफ्ट है, ये जो ये दिख रहे हैं वो शाफ्ट है, लेंथ। शाफ्ट फर्नेस आपका कैसा रहता है, ऐसे सीधा रहता है, इस टाइप का जो फर्नेस होता है ना, इसको बोलते हैं हम शाफ्ट फर्नेस। ठीक है, ये आपका शाफ्ट फर्नेस, इसके बगल में देखो दो चैम्बर है, इधर एक, ये दो। ठीक है, ये आपका क्या है, कम्बशन चैम्बर होता है, कम्बशन चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम फ्यूल को बर्न कराते हैं कम्बशन चैम्बर में दोनों तरफ। ठीक है, अब फ्यूल के बर्न होने के कारण क्या होता है, जो गर्म हवा या हॉट गैसेस है, वो हॉट गैसेस हम कहाँ भेजते हैं, इधर शाफ्ट में भेजते हैं, इधर होते हुए, मतलब डायरेक्टली हम इसको आग के कॉन्टेक्ट में नहीं लाता, फायर के कॉन्टेक्ट में। कम्बशन चैम्बर में कम्बशन होता है, वहाँ से जो हॉट गैसेस है वो आपका क्या होता है, कहाँ जाता है, शाफ्ट में जाते हैं। तो यहाँ से हॉट गैसेस इधर जा रही है, और आपका जो जो पैलेट्स है, ठीक है, ग्रीन पैलेट्स है, उसको हम क्या करते हैं, ऊपर से चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, ऊपर से चार्ज कर रहे हैं, हॉट गैसेस नीचे से आ रहा है, मतलब काउंटर करंट प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ऊपर से ग्रीन बॉल नीचे आ रहा है, इधर से हॉट गैसेस नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दोनों का कॉन्टेक्ट होता है, और इससे क्या हो जाता है,
फायरिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर लगभग लगभग आपका 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं। इतने टेम्परेचर में प्रॉपर उसका एंड्योरेंस हो जाता है, फायरिंग हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर बॉन्ड बन जाता है, उसका स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जो पैलेट्स है वो नीचे आ जाता है यहाँ पे। अब पैलेट्स नीचे आता है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ अमाउंट में चंक भी बन जाता है, जैसे एक बॉल जो है दूसरे बॉल से भी चिपक जाता है, ऐसे ग्रीन बॉल, उसको बोलते हैं चंक फॉर्मेशन। तो उस चंक को तोड़ने के लिए यहाँ पे ना चंक ब्रेकर बना होता है, वो क्या करता है, जो बॉल आपस में चिपक गए ना उसको तोड़ता है। ठीक है, चंक फॉर्मेशन होता है, उसको तोड़ता है। उसके बाद नीचे से हम उसको ठंडा करने के लिए यहाँ से कोल्ड एयर देते हैं, मतलब ठंडी हवा देते हैं। ठंडी हवा के कॉन्टेक्ट में आने के कारण क्या होता है, जो बॉल अभी गर्म है वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कोल्ड कोल्ड और हार्ड, कूल भी हो चुका है, हार्ड भी हो चुका है, उस जो पैलेट है उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। जो प्रॉपर साइज़ का होता है उसको हम क्या भेज देते हैं आपका ब्लास्ट में से या DRI में, और जो प्रॉपर साइज़ का नहीं होता है उसको हम वापस से यूटिलाइज़ कर लेते हैं उसका बॉल बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सॉफ्ट फर्नेस का स्पेसिफिकेशन भी दिया है, जैसे ये 4x2 उसका क्रॉस सेक्शन होता है, मतलब सॉफ्ट फर्नेस का जो क्रॉस सेक्शन है इस तरह से रहता है, वो क्रॉस सेक्शन ऐसे रहता है 4x2 का। ठीक है, उसका जो हाइट होता है वो होता है 20 मीटर, इसलिए काफ़ी लंबा फर्नेस है, मतलब 20 मीटर हाइट होता है, क्रॉस सेक्शन उसका 4x2 मीटर होता है। ठीक है, टेम्परेचर लगभग 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हैं, इसमें प्रॉपर हार्डनेस आपका बच जाता है। ठीक है, तो ये होगा सॉफ्ट किलना। सेकेंड होता है आपका दी ग्रैट मशीन, ग्रेट नहीं है ये, ग्रैट मशीन। ग्रैट मतलब जैसे बताया ना, ग्रैट मतलब होता है जाली, जाली जैसे ऐसा। ठीक है, तो जो ग्रैट मशीन है ना वो सिंटर मशीन का ही मॉडिफाइड वर्जन होता है। आपने सिंटरिंग अगर पढ़ा होगा तो मैंने उसमें बताया था, ये आपको पता होगा, सिंटरिंग में क्या होता है, ऐसे पैलेट कार होता है। ठीक है, ऐसा बेड होता है, सिंटर बेड होता है, सिंटर बेड के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना जो मटेरियल है उसको रख देते हैं, फिर ऊपर से हम उसको फायर करते हैं। ठीक है, तो वो बेड लगातार मूव करते जाते हैं, इस तरह से क्या बनता है, सिंटर बनता है। सेम आपका होता है ग्रैट मशीन में भी, आपका एक ऐसा बेड होता है, ऐसा बेड होता है, उसको बोलते हैं ग्रैट। ग्रैट मतलब जालीनुमा एक बेड होता है, जालीनुमा इसलिए होता है, जाली देखो, जालीनुमा इसलिए होता है ताकि आपका जो पैलेट्स है जो आप ऊपर से डालोगे, ऐसा ग्रैट होता है, ऊपर से डालोगे उसको वो नीचे मत आए, लेकिन आपको नीचे से ठंडी हवा भी देना है। ऊपर में क्या रहेगा, आपका पैलेट्स रहेगा, नीचे से आपको गर्म हवा भी देना है या ठंडी हवा देना है, तो कैसे जाएगा, जालीनुमा रहेगा तभी जाएगा ना, इसलिए बेड होता है जो कि जालीनुमा बेड होता है। ठीक है, ये जो नीचे में, ठीक है, ये आपका जालीनुमा बेड होता है इस तरह से। इसी में क्या करते हैं, इधर से जो आपका ग्रीन जो पैलेट है, ठीक है, जो ग्रीन पैलेट है यहाँ पे हम इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने ग्रीन जो ग्रीन पैलेट है उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, और इधर से आपका डिस्चार्ज होता है हार्डेंड पैलेट, जो हार्ड हो चुका है, ठीक है, जिसका एंड्यूरेशन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अलग अलग इसमें जोन होते हैं, इसमें मेन चार जोन होता है। पहला जोन होता है वो ड्राइंग जोन होता है, जहाँ पर ड्राई होता है। सेकेंड जोन इसमें होता है प्री हीटिंग जोन, जिसमें थोड़ा सा हीट प्री हीट होता है। थर्ड होता है इसमें फायरिंग जोन, और फोर्थ होता है इसमें कूलिंग जोन। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या होता है, ड्राइंग जोन। तो ये जो फर्स्ट आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे क्या होता है, ड्राइंग होता है। ठीक है, मतलब ड्राई होता है, मॉइस्चर उड़ जाता है। सेकेंड जो यहाँ पे ये जो जोन दिख रहे हो ना, वो होता है आपका प्री हीटिंग जोन। ठीक है, फोर्थ ये वाला जो जोन दिख रहे हो, ये वाला ये होता है आपका फायरिंग जोन। और ये जो एरिया आपको नेक्स्ट देख रहे हो, ये आपका कूलिंग जोन वन होता है। दो जोन, कूलिंग के दो जोन होते हैं, ये कूलिंग जोन वन है। उसके बाद छोटा सा जो एरिया देख रहे हो ना, वो आपका कूलिंग जोन टू है। ठीक है, उस इसमें चार जोन होता है। तो फर्स्ट जोन में जैसे ही हम अपना ग्रीन बॉल को इस बेड में डालते हैं, जो ग्रेट मशीन का, जो ग्रेट के ऊपर डालते हैं, मतलब बेड के ऊपर, है ना, तो ये ग्रीन बॉल कहाँ जाता है, सबसे पहले ड्राइंग जोन में। तो ड्राइंग जोन में क्या करते हैं, हम गर्म हवा इसको प्रोवाइड करते हैं। गर्म हवा देने की वजह से जो मॉइस्चर है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो ये गर्म हवा कहाँ से आता है, यहाँ से जो गर्म हवा एक्चुअली में जो है ना, वो फायरिंग जोन से आता है। गर्म हवा आपका एक्चुअली में कहाँ से आता है, फायरिंग जोन से, क्योंकि फायरिंग जोन में हम एक्चुअली में फ्यूल बर्न करते हैं। फ्यूल बर्न करने की वजह से फायरिंग जोन जोन में गर्म हवा या हॉट ब्लास्ट बनता है। वही फायरिंग जोन से जो गर्म हवा है उसको हम चिमनी में ना भेज के इसी को हम क्या भेज देते हैं, ड्राइंग जोन में। इसके यूटिलाइज भी हो जाता है ड्राइंग करने में, इसको ड्राई करने में।
सेकेंड आपका क्या होता है, ड्राई होने के बाद ये जाता है सेकेंड प्री हीटिंग जोन में। तो प्री हीटिंग जोन में देखो यहाँ पे भी हम थोड़ा गर्म हवा प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे प्री हीटिंग जोन में एक्चुअल में गर्म हवा कहाँ से आ रहा है आपका, ये कूलिंग जोन से, कूलिंग जोन से आ रहा है। कूलिंग जोन से कैसे आ रहा है, जो मटेरियल फायरिंग में आपका, देखो मेन जो फ्यूल जो बर्न होता है ना वो यहाँ फायरिंग जोन में बर्न होता है फ्यूल, ठीक है। मेन हीट कहाँ पे बर्न होता है, बनता कहाँ पे हीट या फ्यूल कहाँ बर्न होता है, फायरिंग जोन में। तो फायरिंग जोन में आपका जो ग्रीन बॉल है वो सबसे ज़्यादा हीटअप होता है, यह हीटअप होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है, उसके बाद कहाँ जाता है वो कूलिंग जोन में जाता है, कूलिंग जोन वन में, फिर कूलिंग जोन टू में। तो कूलिंग जोन टू में अभी थोड़ा बहुत गर्म होता है, तो कूलिंग करने के लिए हम क्या देते हैं यहाँ से, कोल्ड ब्लास्ट या फिर ठंडी हवा देते हैं। कोल्ड ब्लास्ट जैसे ही गर्म जो पैलेट से उसके कॉन्टेक्ट में आता है उसको हीट को ले लेता है, और हवा जो ठंडा है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वही गर्म हवा हम उसको कहाँ भेज देते हैं भाई, यहाँ पे प्री हीटिंग में, मतलब यहाँ पे पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जो कूलिंग जोन में, कूलिंग जोन से जो हमको गर्म हवा मिली ना, हम उसको कहाँ भेज देते हैं, प्री हीटिंग के लिए। तो प्री हीटिंग का काम हो जाता है, फिर ये जाता है आपका फायरिंग जोन में। फायरिंग जोन में मेन यहाँ पे ऊपर में ना बर्नर लगे होते हैं, जहाँ हम क्या करते हैं फ्यूल को बर्न करते हैं, है ना। फ्यूल को बर्न करने की वजह से यहाँ पर जो पैलेट्स रखे हुए हैं वो पैलेट्स का फायरिंग होता है, मतलब प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेंथ बनता है, ठीक है। फायरिंग जोन में लगभग 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद फायरिंग जोन में जाने के बाद वो जाता है कूलिंग जोन में। कूलिंग जोन में देखो यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, कोल्ड ब्लास्ट, मतलब ठंडी हवा दे रहे हैं। कोल्ड ब्लास्ट ठंडी हवा से हम क्या करते हैं, पैलेट्स को ठंडा करते हैं, ठीक है। ठंडा करने की वजह से हवा गर्म हो जाती है, तो उस गर्म हवा को फिर हम वापस से फिर यहीं पर जो कूलिंग जोन वन से जो हमको हॉट एयर मिल रहा है उसको हम फायरिंग जोन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फायरिंग जोन में हम बर्निंग करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो कूलिंग जोन टू में जाते हैं, कूलिंग जोन टू के बाद जब पैलेट्स निकलते हैं ना तो वो प्रॉपर पूरा ठंडा रहता है, रूम टेम्परेचर में रहता है, ठीक है। उसके बाद उसका स्क्रीनिंग करके फिर हम उसको DRI या ब्लास्ट फर्नेस में भेज देते हैं, ठीक है। तो ग्रैट मशीन ऐसे काम करता है। अब नेक्स्ट आपका दी ग्रैट किलन, दी ग्रैट किलन। अब ये जो ग्रैट किलन है ना वो आपका, आपका जो ग्रैट मशीन है, ये आपका ग्रैट मशीन है, और जो किलन है रोटरी किलन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं द ग्रैट किलन। ग्रैट मशीन और रोटरी किलन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका ग्रीन बॉल होता है ना, जो ग्रीन बॉल जो कि डिस्क या ड्रम पैलेटाइजर से बन के आ रहा है उसको हम फीड कराते हैं इसमें ग्रैट मशीन में। ये जो ग्रैट मशीन जो सबसे पहले जो अभी मैंने बताया ना, उसी तरीके का डिज़ाइन होता है, इसमें भी अलग अलग जोन होते हैं, यहाँ से हम डालते हैं, है ना। इसमें जो ग्रैट लगा होता है जाली नुमा, वो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो आप डालोगे ग्रीन बॉल, वो यहाँ पे पहले जोन में क्या होगा, ड्राई होगा। ड्राई के बाद इस इधर आने के बाद वो क्या होगा, प्री हीट होगा, ठीक है। यहाँ पे केवल ड्राई होगा और प्री हीट होगा, फायरिंग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हम इस रीजन में कहीं पर भी फ्यूल बर्न नहीं कर रहे हैं। ध्यान दोगे यहाँ पर हम फ्यूल बर्न नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हीट किधर से आ रहा है, देखो इधर ये इस साइड, यहाँ पर ध्यान दो आप, किलन का आखिरी हिस्सा, किलन का जो आखिरी हिस्सा है ना, वहाँ पे हम एक्चुअल में आपका फ्यूल बर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो ऑयल भी हो सकता है, गैसियस फ्यूल भी हो सकता है, यहाँ पे हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से जो गर्म हवा, ये हॉट गैसेस जो जनरेट हो रहा है ना, वो किलन से होते हुए यहाँ पे ग्रैट मशीन में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ग्रैट मशीन में एक्चुअल में कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, रोटरी किलन के लास्ट पोर्शन में हो रहा है, लेकिन वहाँ से जो गर्मी है, जो हॉट गैसेस गर्म हवा वो निकल के आ रही है, इसलिए इस पोर्शन में आपको क्या हो रहा है, ड्राइंग और प्री हीटिंग हो रहा है, ठीक है। अब यहीं से जो प्री हीटेड बॉल्स है या प्री हीटेड जो पैलेट्स है वो कहाँ जाते हैं, आपका रोटरी किलन में जाता है। तो रोटरी किलन में आपका मेन यहाँ पे क्या होता है, फायरिंग होता है, क्योंकि रोटरी किलन में ही क्या हो रहा है, आपका फ्यूल जो है वो बर्न हो रहा है, फ्लेम बन रहा है, ठीक है। फायरिंग होता है, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप होकर फायरिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको कूल कर लेते हैं, कूलर होता है, ठीक है। ठंडी हवा देकर हम उसको कूल कर लेते हैं। कूलिंग के बाद उसका फिर स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं प्रॉपर साइज़ का जो मटेरियल, उसको ब्लास्ट फर्नेस या DRI में भेज देते हैं, ओके। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया आपका पैलेट पैकिंग का, ठीक है। हमने शुरू से आखिर तक सब कुछ देखा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी पूछना होगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड
आप सबका धन्यवाद कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।